मध्य प्रदेश शासन की खेल एवं युवा कल्याण कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा खेल मंत्री रहते हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवा बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण स्तर की खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते खेल मंत्री के द्वारा खोड़ क्षेत्रवासियों को एक भव्य खेल स्टेडियम के रूप में बहुमूल्य सौगात दी गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना एवं इन खिलाड़ियों को उचित वातावरण प्रदान करते हुए विश्व स्तर तक पहुँचाना है। स्टेडियम के निर्माण के बाद आज खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के निर्देशन पर जिला खेल अधिकारी एवं निजी सचिव राजेंद्र शिवहरे, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया व भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के समक्ष एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शीघ्र ही खोड़ स्टेडियम पर होने वाले टेनिस बॉल क्रिकेट के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए क्रिकेट टूर्नामेंटों को खेलो इंडिया की तर्ज पर सफल बनाने का आह्वान किया। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनिर्मित स्टेडियम का नाम अम्मा महाराज विजय राजे सिंधिया खोड़ स्टेडियम रखने का प्रस्ताव रखा। खोड़ स्टेडियम पर आयोजित इस मीटिंग में जिला खेल अधिकारी के खरे, निजी सचिव राजेंद्र शिवहरे, खोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष केरण सिंह लोधी, ब्रजमोहन निकोती, राजनारायण रूसिया, अभिषेक वर्सिया, आविद खान, राजकुमार लोधी, शिशुपाल परिहार, राहुल भार्गव, नवीन भार्गव, महेश परिहार, खेमराज आदि अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखे क्या कहा जिला खेल अधिकारी ने खोड़ से आविद बख्श, पत्रकार की रिपोर्ट। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेडियम निर्मित हुआ है, इसका निर्माण कार्य ग्राम पंचायत से हुआ है और ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो कि हमारे खेल मंत्री जी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने दी है यहाँ के खोड़ के युवाओं को और आसपास के गांव के सभी युवाओं को। अभी इसका निर्माण हुआ है और जल्द ही हम यहाँ पर टेनिस बॉल एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीणों में देखिए प्रतिभाएं तो होती हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को हम कैसे निखारें, कैसे हम उनको जज करें कि वो बच्चा आगे चल के भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर सकता है। तो एक पहल है हमारे खेल मंत्री जी की कि ऐसे बच्चों के लिए हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें जो कि ग्रामीण स्तर पर रहते हैं और शहर में नहीं जा पाते हैं, तो इन बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए और ऐसे बच्चों का चयन करने के लिए जो आगे हमारी खेल अकादमियों में प्रवेश ले सकें, ये टूर्नामेंट इसलिए कराया जा रहा है। और मैं आशा करूँगा कि ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा और इस टूर्नामेंट में 20 ओवर का मैच रहेगा और पूरे ग्रामीण जितने भी इस खोड़ पंचायत में आती हैं, पूरे इसमें जो ग्राम हैं वो सारे बच्चे यहाँ सम्मिलित होंगे, खेलेंगे, आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, इसमें कोई डेट वगैरह निर्धारित की है अभी? डेट के लिए आज हमने यहाँ मीटिंग करी है, तो उसके लिए जैसे ही हमारी खेल मंत्री जी से हमारी चर्चा होगी, हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, उस मीटिंग में हम डेट फाइनल करेंगे।